करनाल में पराली जलाने के साथ ही दीपावली पर हुई आतिशबाजी का असर करनाल जिले में भी साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने से सबसे ज्यादा परेशानी दमा व श्वास के मरीजों को उठानी पड़ रही है। इसके साथ ही आंखों व नाक में जलन की शिकायत भी सामने आ रही है। तेज हवा और बरसात होने से प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है, लेकिन अभी तक बरसात होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। करनाल जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग काम कर रहा है, बावजूद इसके किसान जागरूकता के अभाव में अभी भी पराली जला रहे हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना पराली जलाने के मामलों में कमी दर्ज की गई है। इसके साथ दीपावली पर्व पर हुई आतिशबाजी से निकली जहरीली गैसें भी पर्यावरण में घूम रही है। पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ अधजले कार्बन के कण निकले, यह फिजा में घुलने से लोगों को परेशानी हुई है। वहीं निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर कमल चराया ने कहा कि आज जो भी वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। लगातार सांस के मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं और दाखिल हो रहे हैं। आंखों में जलन व नाक में जलन के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। जी एक तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है जी, शुद्ध वायु नहीं मिलती, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। देखिए पटाखों से पोल्यूशन हो रहा है जी, पहले सर्दी पड़ती होती थी बढ़िया, सर्दी भी नहीं पड़ती जी, सर्दी बिल्कुल एक हिसाब से आगे खत्म ही हो जाएगी जी। जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, उससे पोल्यूशन हो रहा है। इस बार बाइक आ रही है जी, इससे सांस दिक्कत है, कई प्रकार की दिक्कत आ रही है वायु पोल्यूशन जी, बीमारियां भी हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, खांसी जुकाम बढ़ गया, बुखार कभी क्या कभी चीज़ें, कोई दिक्कत ही दिक्कत है जी। क्या होना, तो ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएँ, ये कुछ वाहनों का याद उनको ख़त्म करें, जैसे प्राय चल रहा था पुराना सिस्टम द्वारा वही आना चाहिए। मैं तो ये कहेंगे सर, सबसे पहले पेड़ ज़्यादा हो, पराली से थोड़ा जो जो एटमोसफेयर है जो उनका, ये आपका दूषित ही हो रहा है और क्या हो रहा है सर। हाँ जी, पटाखों से तो हो रहा है सर। तो क्या क्या नुकसान हो रहा है बच्चों को, छोटों को जो चलाते हैं? बच्चों का सर एक तो स्वास्थ्य पे ज़्यादा ज़्यादा फर्क पड़ रहा है उस चीज़ का। मेन तो स्वास्थ्य की ही है। हम तो लोगों को ये कहेंगे कि जितना हो सके अपना कोऑपरेट करो, सरकार को कोऑपरेट करो, सबसे पहले अपने में तब्दीलियाँ करो, जितना हो सकता है अपने से जो भी है अपना जिस हिसाब से जैसा हो सकता है वातावरण स्वास्थ्य करने के लिए। किसान पराली जला, सरकार से तरफ से कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, मान लो ये पराली है कुछ भी है, इसके लिए कुछ यूज़ होना चाहिए। तो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं वो? हाँ जी, हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं, यानी कि इसका यूज़ हो किसी तरह, यानी उनको भी दिक्कत ना हो, दोनों अपना जैसे भी समायोजन हो आपस में मिल के। बच्चा आपके लिए तो सर यही कहेंगे जितना हो सके अपना पटाखे ना जलाएं, पटाखे ना जलाएं, वातावरण को अपनी तरफ से जितना हो सके अपना स्वस्थ रखें, खुद भी स्वस्थ रहें, सभी करके। यानी क्या नाम है आपका? मेरा सर मनोज शर्मा। धन्यवाद। देखिए मैं डॉक्टर कमल चराया, MD मेडिसिन। देखिए आजकल जो ये वातावरण प्रदूषित हो रहा है, चाहे वो पराली के कारण, चाहे वो धुएं मिट्टी के कारण, ये सबके लिए काफ़ी हानिकारक हो रहा है। जो NQI है, जो 440-450 टच कर रहा है, उससे सांस लेने में काफ़ी लोगों को काफ़ी तकलीफ़ आ रही है। जो दमा के मरीज हैं, जो एलर्जी के मरीज हैं, COPD के मरीज हैं, उन लोगों को सीधा दाखिला होना पड़ रहा है, उनको एक्यूट एक्सेसिबरेशन ऑफ COPD हो रहा है। तो यानी कि उनको दमा इतना ज़्यादा तंग कर रहा है कि सीधा दाखिला होना पड़ रहा है। लोगों को बलगम काले रंग की आ रही है, डार्किश रस्टी स्पूटम आ रहा है, यानी कि उसने चेस्ट इन्फेक्शन हद तक कर दिया है। और जो भी सिंपल पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी हल्के से एलर्जी के पेशेंट हैं स्किन के, लोगों को स्किन डिसऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं, सांस लेने में घुटन हो रही है। तो ये 4-5 चीज़ें इतनी हद तक तंग कर रही है कि लोगों को दाखिल होना पड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए बचाव के सर लिए? इसको बचाव के लिए गवर्नमेंट को हम सबको मिल के एक प्रण लेना चाहिए कि जितना भी जो हमारे हाथ में है, एटलीस्ट पराली को जलाने के लिए मतलब ना जलाया जाए, या उसका कोई और वातावरण सिस्टम ढूंढे जिससे उसको कैसे कंपोज करना है। जो हम पटाखे हैं, जो हम जितना रोक सकते हैं उसको ना जलाया जाए और इस एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखा जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।